हेलो। अरे भाई कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं तू? यार नहीं भाई, मैं आज नहीं आ सकता क्रिकेट खेलने, तू किसी और को ले लेना टीम में। क्यों यार पिंकू, तुझे तो पता ही है तेरे ना आने से हम मैच हार जाएंगे। यार तेरे अलावा हमारी टीम में सारे फुसी प्लेयर भरे पड़े हैं। यार सॉरी यार, समझा करना, आज तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। यार आज तो मैं नहीं आ सकता, नेक्स्ट टाइम पक्का आ जाऊंगा। चल बाय, रखता हूँ। सुनियो सुनियो, इधर आ जरा, इधर आ। यही बैठा हूँ दीदी, बोल दो। अच्छा वैसे तो जब मम्मी तुझे बाहर खेलने जाने से मना करती रहती है, तब तो तू उनकी एक बात नहीं मानता है, बाहर खेलने भाग जाता है। और आज जब तेरे पास मौका भी है, दस्तूर भी है, और तेरे टीम वाले तुझे सामने से खुद कॉल करके बुला रहे हैं खेलने के लिए, तो तू जा क्यों नहीं रहा है भाई? ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया भाई तूने, जो तू इतना बिजी हो रखा है? ओह लो दीदी, आपको भी याद नहीं है, 2 दिन बाद क्रिसमस है, क्रिसमस। और लास्ट क्रिसमस पे मैं खेलने के चक्कर में अपनी विश लिस्ट तक बनाना भूल गया था, इसलिए ना ही तो सांता है, ना ही तो मुझे अपने गिफ्ट मिल पाए। इसलिए इस बारी मैंने डिसाइड किया है कि इस बारी मैं खेलने नहीं जाऊंगा और घर बैठ के अपनी विश लिस्ट बनाऊंगा, और इस बार सांता से अपने अगले पिछले सारे गिफ्ट वसूल कर लूंगा मैं। क्यों दीदी, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे वाह पिंकू, तू तो दिन पे दिन कितना स्मार्ट होता जा रहा है भाई। सच बता, इतना घटिया और बददिमाग आईडिया तेरे दिमाग में आता कैसे है? अबे ओ, कोई सेंटा पेंटा नहीं आता जो तुझे तेरे विश लिस्ट वाले पूरे गिफ्ट दे सके। और चलो चलो दीदी, मैं आपकी कोई बात बात नहीं मानता, सेंटा भी होते और विश लिस्ट भी पूरी होती है। कोई नहीं दीदी, उड़ा लो मजाक, जब मेरी विश पूरी होगी ना तब बताऊंगा आपको। बेटा विश तो तेरी तब पूरी होगी ना जब सेंटा इस दुनिया में होगा। ठीक है डन, लगी शर्त। मम्मी जी। हेलो। हेलो मम्मी जी, कैसे हो आप? बेटा यहाँ सब ठीक है, वहाँ सब कैसा है, बच्चे कैसे हैं? अरे मम्मी जी सब बढ़िया है, बस बच्चे ना बहुत शैतानी करते हैं बस। अच्छा सुन, मैं परसों यहाँ क्रिसमस पार्टी रख रही हूँ, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, तुझे भी बच्चों को लेके आना है। अच्छा कब? परसों घर आना है? अच्छा क्रिसमस पार्टी रखी है आपने? हाँ हाँ मम्मी जी, हम पहुंच जाएंगे, बिल्कुल टाइम पर पहुंचेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चल रख फोन। ठीक है मम्मी जी, मिलते हैं। ओके बाय मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी, इतनी खुश क्यों हो रही हो? किसकी कॉल थी? अरे बेटा तेरी दादी की कॉल थी, अपने घर बुलाया उन्होंने हमें। क्या सच्ची मम्मी, दादी के घर जाना है, लेकिन क्यों? अरे वो इस बार उन्होंने घर पर क्रिसमस पार्टी रखी है। ओ अच्छा, क्रिसमस पार्टी मम्मी? हाँ हाँ वही वही वही। फिर तो मम्मी इस क्रिसमस पे दादी के घर जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। हाँ बेटा वो तो आएगा ही। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, ये सेंटा वगैरह सच में होते हैं क्या? हाँ हो भी सकते हैं और नहीं भी, तू क्यों पूछ रही है? अरे नहीं नहीं मम्मी, बस यूं ही। एक मिनट मम्मी, मुझे कुछ जलने की स्मेल सी आ रही है। अरे मेरी चाय जल गई तेरे चक्कर में, माँ खराब कर देती है लड़की, ले पकड़। सील बेल्ट लगा। मम्मा मैं भी सील बेल्ट लगाऊं क्या? हाँ हाँ बेटा लगा ले, आजकल तो पीछे बैठने वालों का भी चालान कटता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है चालान भरने के, लगा जल्दी। अच्छा मम्मा ड्राइव मैं कर लूं क्या? तेरे को आती है ड्राइविंग? हाँ आती है, एक बार चलाई थी ना मैंने। लाइसेंस है? नहीं। तो फिर चुपचाप पीछे बैठ रहे, मैं ड्राइविंग करूंगी। बढ़िया, और सील बेल्ट लगा। अरे यार कितना बोरिंग है पीछे बैठना, एक तो ये पिंकू आगे जाके बैठ गया है। एक काम करती हूँ, तब तक थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। लगाओ ना सीट बेल्ट। लगा रही हूँ। पागल कर दिया इन बच्चों ने। दादी यहाँ तो ताला लगा है। अरे ताला लगाए, रुक मैं फोन करती हूँ। फोन ही नहीं उठा रही।
लास्ट ट्राई करती हूँ। हाँ लग गया फोन। मम्मा दादी का फोन आ रहा है। दादी का फोन? हाँ दिखा। हेलो हेलो मम्मी जी। हाँ मम्मी जी निकल गए, बस पहुंच ही गए हैं। क्या तू अभी निकली है? हाँ मम्मी जी थोड़ा लेट हो गए, बच्चे बड़ी शैतानी करते हैं ना। अच्छा सुन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे घर के बाहर खड़ी हूँ। मम्मी आप क्यों खड़े हो, हमें आना था ना आपके यहाँ। अरे मिकी कह रहा था चाची के घर जाना है, चाची के घर जाना है, तो मैं इसको लेके यहाँ आ गई, और यहाँ देखो तो ताला लगा हुआ है। अच्छा मम्मी जी तो आप एक फोन कर देते ना मुझे। कॉल कर देती, कब से तेरे को फोन लगा रही हूँ, तू उठाए तब ना। सॉरी मम्मी जी मैं ड्राइव कर रही थी ना। अच्छा तू एक काम कर, जहाँ भी पहुंची है ना वहाँ से गाड़ी रिवर्स मार और जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच, मैं धूप में खड़ी खड़ी तप रही हूँ, और देख मेरे पैर भी बहुत दर्द हो रहे हैं खड़े खड़े। हाँ हाँ मम्मी जी मैं अभी आ रही हूँ, आप परेशान मत हो। सॉरी मम्मी जी। जल्दी आ। तो दादी खुद वहाँ पहुँच गई है? हाँ बेटा दादी और मिक्की भैया दोनों हमारे ही घर पहुँच गए हैं, चल हम वापस चलते हैं। यार हम इतने दूर आ गए वो खुद ही घर पहुँच गई है, क्या हो रहा है। तू ना बड़ों जैसी बातें मत क्या कर, चल चुप हो जा। यार ये लगी दिक्कत, रात में पानी भरने जाओ। वाओ इतनी मस्त डेकोरेशन, वो भी मेरे घर में, ये सब किसने किया? और ये क्रिसमस ट्री कितना प्यारा लग रहा है। और ये सफेद दाढ़ी वाले अंकल कौन है, आप कौन हो और मेरे घर में कैसे? हो, पागल लड़की तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ सेंटा क्लॉस जो सभी बच्चों की विशेष पूरी करता है। है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, मतलब सेंटा आप सच में होते हो? तुमको क्या लगा मैं नहीं होता? नहीं नहीं सेंटा आप होते हो, होते हो, तो फिर लाओ क्रिसमस का गिफ्ट मुझे दो। तेरा क्रिसमस गिफ्ट है, पर मुझे तेरे पिलो के नीचे कोई विश लिस्ट नहीं मिली, और मैं तो यहाँ सिर्फ पिंकू की विश पूरी करने आया हूँ। क्या? लेकिन क्यों? हाँ क्योंकि जो विश लिस्ट बनाता है उसे की विश पूरी होती है। नहीं सेंटा नहीं, सेंटा नहीं प्लीज मुझे मेरे गिफ्ट दो ना सेंटा नहीं। बेटा अब रोने का क्या फायदा जब बर्ड चुग गई खेल। नहीं सेंटा नहीं सेंटा मुझे मेरे गिफ्ट दो ना, नहीं सेंटा नहीं सेंटा नहीं 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 सेंटा नहीं 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 सेंटा नहीं सेंटा नहीं। चलो बेटा निकलो घर आ गया। नहीं सेंटा नहीं नहीं सेंटा नहीं सेंटा नहीं। मम्मा दीदी तो सोई पड़ी है। सो रही है? अरे सिब्बू बेटा उठ घर आ गया। लगता है दीदी बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रही है, ये लो पानी मार दो उनके मुंह पे। नहीं मतलब मैं सपना देख रही थी। बेटा सपने से निकल और हकीकत में आ जा, देख हम घर वापस आ गए हैं। क्या मम्मा पर हम घर वापस क्यों आ गए? बेटा बहुत लंबी कहानी है, घर पहुंच के बताऊंगी, दादी आ गई हैं। अच्छा ठीक है। दीदी आपको पता है आप सपने में नहीं सेंटा करे जा रहे थे, आप भी विशलिस्ट बनाने का तो नहीं सोच रहे? अगर ऐसा है ना फिर तो सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ। यार वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, विशलिस्ट बनाने में लगता ही क्या है, बस एक पेपर और एक पेन। अरे नहीं यार ये तो बस एक सपना था, सच में कोई सेंटा पेंटा थोड़ी ना होता है। अब बेटा कार में बैठी बैठी सपने देखती रहेगी या निकलेगी भी? देख दादी आ गई हैं। दादी नमस्ते। दादी और कैसा है तू? ठीक हूँ, आप कैसे हो? नमस्ते
मम्मी जी। आ गई तू? इतनी तेज धूप है, पूरा शरीर जल गया। जल्दी से ताला खोल। सॉरी मम्मी जी, अभी खोल रही हूँ मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी। क्या चाची, इतना लेट कर दिया? बेटा मुझे पता ही नहीं था तुम लोग आ रहे हो। तेरी चाची है ये। आओ मम्मी जी। और दीदी कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। मिक्की तू बता, तू कैसा है? मैं तो वैसा बढ़िया ही रहता हूँ। और पिंकी तू बता, तू कैसा है? भैया पिंकी नहीं, पिंकू है मेरा नाम। अरे जो भी हो, मैं तो तुझे पिंकी बोलूंगा। क्या हुआ सिप्पू दीदी, आपके फेस पर 12 क्यों बजे हैं? यार मिक्की, मेरे मन में ना एक डाउट है, बस वो क्लियर करना है। डाउट? लेकिन किस बारे में? यही कि सेंटा होते हैं कि नहीं। वो तो मुझे नहीं पता दीदी, क्या पता होते हो, लेकिन आपको सेंटा से क्या काम है? देख मिक्की, अगर मैं तुझे बताऊंगी तू हंसेगा तो नहीं मुझ पे? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पागल थोड़ी हूँ जो आपकी बात पे हंसूंगा। क्या दीदी, आप आज भी इन बातों पे विश्वास करते हो? कोई सेंटा वेंटा नहीं होता? पक्का ना मिक्की, नहीं होते? होते हैं मिक्की भैया, सेंटा होते हैं। अबे पिंकी, तुझे कैसे पता कि सेंटा होता है कि नहीं होता? भैया मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अगर हम विशलिस बना के पिल्लो के नीचे रख के सोए ना, तो क्रिसमस के दिन सेंटा गिफ्ट दे के जाते हैं और सारी विशेष पूरी करते हैं। और मैं तो दीदी से शर्त भी लगाई है कि सेंटा होते हैं या नहीं होते। फिर तो तू मुझसे भी शर्त लगा ले, क्योंकि हारना तो तुझे ही है, कोई सेंटा वेंटा नहीं आएगा। हाँ हाँ भैया, उड़ा लो अभी मेरा मजाक, लेकिन आज रात जब सांता मेरे गिफ्ट देके जाएंगे ना, फिर मैं दिखाऊंगा आप दोनों को। मम्मी जी, मैंने जो पराठे बनाए थे कैसे लगे आपको? पराठे बिल्कुल बेकार थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। चार चार पराठे खा गई फिर भी बेकार थे, अच्छे बने होते पता नहीं कितनी खा जाती। मम्मी जी, आपको ना मेरी बनाई हुई कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। तू मन से बनाएगी तभी ना अच्छी लगेगी। क्या कमी थी, क्या कमी थी? प्यार की कमी थी, जो तेरे में है ही नहीं। मम्मी जी, प्यार और इज्जत ना उसी को मिलती है जो देता है, आप तो मुझे प्यार और इज्जत देती नहीं हो। जो जिस लायक होता है उसको वही मिलता है। छोड़, तेरे मुंह कौन लगेगा, तू तो शुरू से ही ऐसी है। मैं जाती हूँ बच्चों को बोलने के लिए कि क्रिसमस के लिए रेडी हो जाएं। मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है, इतना काम करती हूँ, इतने अच्छे पराठे बनाती हूँ, लेकिन नहीं। चलो चलो बच्चों, क्रिसमस के कपड़े पहन कर तैयार हो जाओ, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मम्मी जी, पहले ये बताओ मैं कैसे लग रही हूँ? एकदम लेडी सेंटा क्लॉस। और मैं कैसी लग रही हूँ? आप भी ठीक ही ठाक लग रहे हो मम्मी जी। दीदी देखो मेरी सेंटा वाली टोपी। अबे पिंकी, तूने मेरी टोपी कॉपी कर ली? भैया आपने मेरी कॉपी करी है, मैंने आपकी नहीं करी। और कितनी बार बोलूं मैं कि मेरा नाम पिंकू है, पिंकी नहीं। अरे यार चुप हो जाओ दोनों, जो भी हो सबसे सुंदर तो मैं ही लग रही हूँ। अच्छा अच्छा, आज के दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और चलो सब लोग मिलकर डेकोरेशन कंप्लीट करें। जाएंगे ही जाएंगे, और मैं शर्त भी हार जाऊंगा, वो भी दो दो से। यार मिक्की, हम शर्त जीत तो जाएंगे ना, कहीं हार गए तो? अरे दीदी आप भी कितना डरते हो, आप जाके गेट पे डेकोरेशन करो। चलो चलो
चलो बच्चों डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, आ जाओ सब लोग यहाँ पे और अपनी अपनी विश मांग लो जो मांगनी है। सांता सांता मुझे ना एक नई एप्पल वॉच दिला दो और नए जूते का सेट और दीदी का ना पुराना स्मार्टफोन ही दे दो क्योंकि नया तो आने भी नहीं वाला। और मेरे को ना एक बड़ी कार तो मिलने नहीं वाली, तो एक टॉय कार दिला दो कम से कम और कुछ चॉकलेट्स। सेंटा सेंटा अगर आप मुझे सुन रहे हो ना तो मुझे एक न्यू आईफोन चाहिए और एक मैकबुक प्रो, प्लीज मेरे को एक गिफ्ट दे देना प्लीज। मेरी तो ना एक ही विश है सेंटा कि मम्मी जी इस साल मुझसे बिल्कुल ना लड़े, प्लीज 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 ये कर देना प्लीज। और सांता मेरी भी एक विश है, ये जो मंदबुद्धि ड्रामेबाज औरत मुझे मिली है ना इसकी सद्बुद्धि वापस आ जाए। भाई मैं तो सेंटा वेंटा में कोई विश्वास नहीं रखती, तो मैं कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगी। ओ सिब्बू सेंटा में विश्वास नहीं करती तो क्या हुआ, चल वापस आ, डांस तो कर सकती है। हाँ डांस करने आ जा। हाँ ये तो है, डांस तो कर सकती हूँ, चलो। अरे वाह सांता ने मेरी सारी विश पूरी कर दी, मेरे सारे गिफ्ट आ गए। ये सांता ने मेरी भी सारी विशेस पूरी कर दी, मेरा आईफोन, मेरा मैकबुक प्रो, मेरी नई आई वॉच, अब मैं भी फ्रेंड के साथ शो ऑफ कर सकता हूँ। पर एक मिनट भैया, आप तो कह रहे थे आप सांता में विश्वास ही नहीं करते। अबे यार पिंकी, पहले मुझे भी यही लगता था, जब मैं पहले विश लिस्ट बनाता था ना और लोगों को बताता था तो लोग मुझ पर हंसते थे, तो इस बार मैंने किसी को बताया ही नहीं और विश लिस्ट बना ली और मेरी सारी विशेस पूरी हो गई। अरे यार ये कौन चिल्ला रहे सुबह सुबह, सोने भी नहीं देते। अरे यार ये सुबह सुबह कौन शोर मचा रहा है, क्या इन दोनों के सारे विशेस कंप्लीट हो गई, बस एक मैं ही बाकी रह गई। और दीदी आप तो साथ साथ में शर्त भी हार गए। मम्मी ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं शर्त हार गई। क्या जबरदस्त एक्टिंग की सिब्बू, तूने मान गए अम्मू। सिब्बू एक बार बताऊं, तेरा छोटा भाई विक्की है ना, वो बताता तो नहीं है लेकिन आज भी वो सांता को बहुत मानता है और अपनी विश लिस्ट बना करके ना तकिए के नीचे छुपा के रख देता है। अच्छा दादी ये पिंकू भी ऐसा ही है, इसको आज भी यही लगता है कि सांता सच में होते हैं और क्रिसमस वाले दिन आके इसकी सारी विशेस पूरी करते हैं। बताओ ऐसा कोई होता है क्या? और उनको ये नहीं पता कि उनके सेंटा तो हम ही हैं। हाँ मम्मी बचपन में ना आपने भी मेरा बहुत पागल बनाया जब मुझे पता नहीं हुआ करता था। पागल नहीं बनाया, तुझे खुशियाँ दी हैं। याद कर जब तू छोटी होती थी और सेंटा तुझे गिफ्ट देता था, तुझे कितनी खुशी होती थी है? हाँ मम्मी अच्छा तो लगता था। हाँ अभी तो तू बड़ी हो गई है, तुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन ये पिंकू और मिक्की तो अभी भी छोटे हैं ना, इनकी तो खुशियाँ नहीं छोटी छोटी चीजों में कि सेंटा आएगा इन्हें गिफ्ट देगा, है ना? तू ही बता जब तू छोटी थी और मैंने क्रिसमस में तुझे सॉक्स में डालकर डॉल गिफ्ट की थी, तुझे कितनी खुशी हुई थी है? हाँ मम्मी मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब मुझे ये भी नहीं पता था कि वो सेंटा आप ही बनते हो, मुझे तो ऐसा लगता था कि सच में कोई सेंटा क्लॉस आता है और मुझे सारे गिफ्ट दे के जाता है। देख सिब्बू बेटा मुझे पता है तूने पिंकू के साथ शर्त लगाई है, तू एक काम कर, तू जानबूझकर हार जा और हम लोग मिल करके ना सांता बनके उनकी विश लिस्ट पूरी कर देंगे। तू सोच के देख तेरे छोटे दोनों भाई कितने खुश हो जाएंगे जब हम तीनों सांता बनके उनको गिफ्ट देंगे। हाँ दादी वैसे खुशी तो बहुत होती है। चलो ठीक है, आज तक आप लोग मेरे सांता बनते आए हो तो इस बार इस प्लान में मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूँ और इस बार हम तीनों सांता क्लॉस बनके उनकी सारी विशेस पूरी करेंगे। ये हुई ना बात, ले ताली। मम्मी जी मुझे भी ना क्रिसमस पे आपसे गिफ्ट चाहिए। क्या आप ना मुझसे लड़ा मत करो बस। तू भी क्या याद करेगी, दिया तेरा गिफ्ट। वाओ मम्मी थैंक यू।
अरे मम्मी, एक ही तो एक्ट्रेस है हमारे पूरे फैमिली में, कमाल की। ऐसे इसके यूट्यूब पे 4 मिलियन नहीं होने वाले। पर मम्मा अभी हुए कहाँ हैं, होने वाले हैं। अरे हो जाएंगे ना, अभी इन लोगों को बोलेंगे, देखो तुरंत करवा देंगे तुम्हारे 4 मिलियन। हाँ तो जल्दी जल्दी सिप्पू के ना 4 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो, दोस्तों यारों सबको बोल दो। यस ये। और गाइस, हम पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मैरी 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 क्रिसमस। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।